हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को जय श्री श्याम। गाइस हम लोग बैठे हैं अभी सब और बातें बातें कर रहे हैं। देखिए हमारी फिश मिस्टी को हमारे मेकअप का बड़ा शौक है और बड़ा उसको रहता है कि भाई वो अच्छी लग रही है। और मैंने ये वाली साड़ी पहन ली, इस बार मैंने फ्री पल्लू में पहनी है। ये हमारी ममता जी जी है। उधर या जी बैठे हुए हैं, मुकेश या जी बैठे हुए हैं। बस अभी सब हम लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं, बारात आने वाली है। फिर खाना वाना खाएंगे, अभी खाना भी नहीं खाया है। तो अभी आ गई है बारात और हम सब लोग बस बारात का स्वागत करने जा रहे हैं। अभी भी किसी की बारात आती है ना, एक अलग ही रौनक रहती है। और बारात में जो डांस करते ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो बस हम लोग भी थोड़ा सा डांस वांस करने लग गए थे साथ में ही। और ये हैं दूल्हे राजा जो घोड़ी पे बैठे हैं। बस अब इनका स्वागत वगैरह होगा। तो स्वागत वगैरह चल ही रहा है और भृगु हमारा चारों तरफ घूम रहा था, पानी पताशी लेके घूम रहा था। और मैं ना देख रही थी खाने की क्या क्या वैरायटी है। तो ये एक भैया कुछ स्टार्टर्स लेके खड़े थे, तो सब लोग इनके पास में थे। तो मेरे को लगा कि भाई मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। ये जो था मतलब कुछ अलग सा ही था, को समझ में नहीं आया क्या था सच बताऊँ तो। पर टेस्ट में अच्छा लगा, एक बार खाया था फिर दोबारा से मैंने लिया था ये। मतलब ठीक ठाक लग रहा था खाने में। और भृगु हमारी पानी बताशी खा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रखा हुआ था पूरा दहेज का सामान जो हर माता पिता अपनी लाडली बेटी को देते हैं। तो विजय भैया ने भी पूरा सामान जो जो शिवा को दिया था मतलब दहेज में, वो सब रख रखा था। तो यहाँ पर जो जो भी चीज़ें मोस्टली होती है ना, वो सब थी घर गृहस्थी की। और ये देखिए एक अलमारी और ड्रेसिंग भी रखी हुई है, बेड, सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो सब थी वो सब कुछ जो शादियों में, कूलर ये और एक सिलाई मशीन, टेबल, वॉशिंग मशीन भी थी, ये सब कुछ था। और इसके बाद हम लोग मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर डोसा मिल रहा था काफ़ी अच्छा, मतलब स्टार्ट ही करा था तो शुरू शुरू में होता ना एक दो डोसे थोड़े से ख़राब ख़राब से बन ही जाते हैं स्टार्ट करते हैं तो। पर फिर भी मैं यहाँ पर लेने के लिए खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे डोसा बड़ा अच्छा लगता है इसलिए। और वाकई में डोसा काफ़ी टेस्टी था, अच्छा लगा मतलब खाने में। और ममताई जी को के लिए भी ले आई थी मैं। और बहुत सारी वैरायटियां होती है शादी में, तो मतलब काफ़ी चीज़ें तो आप की छूट जाती हैं, आप खा ही नहीं पाते हो। और कुछ चीज़ें मतलब मेरे को ये स्टॉल्स पे खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, थाली लगाकर खाने से ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा लगता है। और हमारा भृगु यहाँ पे सिर्फ पानी पताशी, इसकी तबीयत जो ख़राब थी इसके चलते सिर्फ इसको पताशी अच्छी लग रही थी। तो भाई जो जिससे भी बच्चा पेट भर ले एटलीस्ट थोड़ा सा, तो यूँ लगता है मम्मी को तो। और यहाँ पर हमारी मिष्टी की फेवरेट मिष्टी खा रही थी चाउमीन। उसको वैसे भी यहाँ चाउमीन उसकी फेवरेट है, तो बस वही वो चाउमीन की मज़े लेने में लग रही है अभी शादी में। और यहाँ पर भाई दूल्हे के आगे ना सब मिलके डांस करने में लग रहे हैं। और ये जो मस्त वाला डांस होता है ना भंगड़ा, इसकी ना एक अलग ही बात होती है, मज़ा आता है इसको जब भी हम डांस करते हैं तभी। All right.
और यहाँ पर मैं खा रही हूँ आलू टिक्की। और वैसे भी इतने सारे स्टॉल्स होते हैं ना, तो हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, और आलू टिक्की भी बड़ी मस्त वाली थी। और मुकेश जियाजी के लिए भी लेके आ गए थे हम एक आलू टिक्की, और जियाजी को हम वीडियो में जब भी लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा शर्माते हैं और वो बोल भी रहे थे कि ये ना हर जगह जाते हैं तो उनका कैमरा हमेशा तैयार रहता है। तो भाई हम तो ब्लॉग वाले हैं, तो ब्लॉगिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो हम हर किसी को लेते हैं, बस ये वाली बात है। और यहाँ पर मम्मी के साथ थोड़ा सा मजाक करने में लग रहे थे, और मम्मी भी थोड़ी सी ये मान लीजिए मजाक कर लेती हैं हमारे, और मिष्टी भी साथ में खा रही थी और मैं खा रही थी आलू टिक्की। मम्मी जी क्या पी रहे हो? ये हमारी मम्मी दूध पी रही है, दूध पी पी के मोटी होती जा रही है। डेढ़ किलो जलेबी खा चुके हैं। खाने के लिए होती है ना? यार जय जय, आप एक डेढ़ किलो जलेबी खा गए, और कितनी जलेबी खाओगे आप ये बताएं? अच्छी लग रही तो खानी पड़ेगी ना, अच्छी तो नहीं खाते हम। हेलो एवरीवन, ये है हमारे विजय भैया जिसकी शादी में, जिसकी बेटी की शादी में। हाय, मैं इतना जवान मेरी शादी में आई है, 30 साल हो गए हमारी को, 30 साल मेरी बेटी और तुम्हारी भतीजी, ये हमारी सब सिस्टर है, ये हमारी मासी जी, ये हमारी नान जी, ये हमारी बहू जी, ये हमारे कंवर साहब लाइन से हो जाएंगे। ये हमारी बहन का बच्चा, ये हमारे मामा जी का बच्चा, ये हमारी बहन की बच्ची, ये हमारी बहन की बच्ची, हाँ है, ये सारे बच्चा जो पूरा कुछ बोला, सारा बहन वाली है, ये हमारी व्यवहारी सब अपने कुछ भाई। और ये देखिए भाई हमारी प्यारी प्यारी दुल्हन, दुल्हन का जो गेटअप होता है ना, इस गेटअप में जितनी भी सारी लड़कियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगती हैं। तो ये शिवा भी बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और वैसे भी ना एक हाईलाइट होती है दुल्हन, हाँ, हर जगह शादी में कि भाई दुल्हन कैसी लग रही है, तो दुल्हन वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर अभी बस वरमाला का प्रोग्राम चल रहा है, और बस वरमाला जब भी होती है तो वह क्लैपिंग वगैरह होती है, तो मज़ा आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो बस वही सब हो रहा है अभी। और यहाँ पर मैंने जो शिवानी थी, इसको मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उसका बेटा है, और ये बहुत क्यूट क्यूट फनी फनी सी फेसेस बना रहा था, और इसलिए हमको बहुत प्यारा लग रहा था। और वैसे भी मतलब इस एज के बच्चे वाकई में बहुत नहीं बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, इसमें इसको लेके बैठी थी। और बस अब हम लोग जा रहे हैं, ममता दीदी, मैं और मम्मी, हम लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए खड़े हैं और वेट कर रहे हैं अपने नंबर का। और वैसे भी होता है ना कि लगता है कि लो जल्दी से फटाफट से अपन भी एक फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं दूल्हा दुल्हन के साथ, और जितने भी सारे मेम्बर्स हैं सब ले बैठे हैं, फैमिली मेम्बर्स बराती भी हैं घराती भी हैं, तो बस ये टाइम है जब दूल्हा दुल्हन के साथ सब लोग नंबर बाय नंबर मिल के
एक फ़ोटो क्लिक करवाते ही हैं। और ये जो स्टेज प्रोग्राम हो रहा था ये नीचे बेसमेंट में हो रहा था, मतलब खुले में नहीं थी स्टेज, क्योंकि खुले में क्या होता है सर्दी का टाइम है तो ज़्यादा ठंड वगैरह लगती है, तो इसके चलते ही नीचे बेसमेंट में थी। तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि भाई इस हिसाब से ना ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी अंदर की साइड नहीं। तो अभी इस टाइम पर जब भी शादी है ना तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगती है खुले में, इस हिसाब से अच्छा था। बस हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवा लिया। सब बाय कर रहे हैं।